देर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट हैपनिंग अराउंड, जिसमें हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को बैश करते हैं. वी डोंट गिव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, एंड इसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स आर मिस इन्फॉर्म्ड. तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक ये चीज़ आ जाती है कि वट एवर वी आर डूइंग इज़ यूजलेस. हमें फोटोसिंथेसिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाया जाता है, पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्यूरियोसिटी एज इन की स्काई ब्लू क्यों है, राइट, पत्तों का कलर हरा क्यों है, वाई इज देयर अ रेनबो, राइट, हमें डिफ्रैक्शन ये सारा चीज़ें सिखाया जाता है 10th ग्रेड. तो ड्रामा इन द 19th सेंचुरी, राइट, बट ऑफ कोर्स आई नो इट हैज़ अ सबकॉन्शियस इफेक्ट, इट हैज़ लाइक नॉलेज बढ़ जाती है उससे, बट वट आई थिंक जो अभी बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है वो है कि प्रैक्टिकल स्किल्स, जैसे अभी मैं बता रहा था कारपेंट्री या फिर वॉल पेंटिंग. ड्रॉपिंग आउट सीम्स लाइक अ रेवोल्यूशनरी आइडिया फॉर पीपल, लाइक इट सीम्स लाइक फन, यू नो, इट सीम्स हिप फॉर पीपल टू ड्रॉप आउट, बिकॉज टू ड्रॉप आउट सीम्स लाइक अ बोल्ड मूव. बिफोर एनीथिंग मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ विक्रम को, जिनसे मैं अभी कुछ 2-3 दिन पहले मिला हूँ, राइट, और आज हम एक पॉडकास्ट टाइप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. इस पार्ट को मैं पूरा कट करने वाला हूँ क्योंकि क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, लाइक सिंस डे वन वी वर हैविंग डीप कॉन्वर्सेशंस अबाउट लाइफ एक्सपीरियंसेस, आर एक्सपेक्टेशंस एंड आर एम्बिशंस. We are visionaries. That's what I want to say. And we both want to utilize ourselves, our life skills, to benefit society and to be of service to mankind. Isn't that right, Vikram? I think pretty much you have summed it up. That's it. So, what are we going to talk about today? Let's start with you. And then I'll jump on it. So, I've been thinking about it for quite some time now, even when I was in school and when I was in college, I was fighting with this one system, that is the education system, right? So let's start with you. What do you think about the education system? So my idea is like there is a lot of debate happening around, जिसमें हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को बैश करते हैं, एंड वी डोंट गिव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, एंड इसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स आर मिस इन्फॉर्म्ड. तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक ये चीज़ आ जाती है कि वट एवर वी आर डूइंग इज़ यूजलेस. आई नो देर इज़ अ नीड ऑफ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम, बट इतना भी बुरा नहीं है जितना दिखाया जाता है. एंड देर इज़ अ ट्रेंड कि लाइक आई हियर दिस फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स कि अच्छा, फेसबुक के जो को फाउंडर्स थे उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया था, और वो ऐसे कई सारे लोगों के एग्जाम्पल्स देते हैं, राइट. बट व्हेन यू लुक एट द परसेंटेज ऑफ पीपल हु बिकम सक्सेसफुल आफ्टर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम कॉलेज एंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु बिकम लेट्स से होमलेस आफ्टर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम कॉलेजेस, तो वो परसेंटेज बहुत बड़ा है जो ड्रॉप आउट होने के बाद होमलेस हो जाते हैं. तो ये कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स जो ड्रॉप आउट होने के बाद सक्सेसफुल हो गए हैं, उससे इंस्पायर होकर के हम लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करें, तो आई थिंक वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन देन, अगर हम इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं. बट या डेफिनेटली देर इज़ अ नीड ऑफ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम. लाइक अगर मैं एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, तो अप टू अ सर्टेन एज वी वर फोकसिंग मोर ऑन मॉरल एजुकेशन, राइट, वट इज़ मॉरलिटी, वट इज़ राइट, वट इज़ रॉन्ग, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था अप टू अ सर्टेन एज, एंड दैट इज़ वॉट आई थिंक इज़ नेसेसरी इवन इन दिस टाइम. सो इससे होता क्या है कि क्राइम रेट्स और जो भी ये मॉरल डिलेमास होते हैं लोगों की लाइफ में, वो थोड़े कम हो जाते हैं, और जो स्किल्स पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है. बिकॉज स्कूल इज़ द टाइम, इफ़ आई टेक माई एग्जाम्पल, मुझे अपने स्कूल कॉलेज टाइम तक नहीं पता था कि वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू इन लाइफ, है ना. तो स्कूल या कॉलेज का आई थिंक एक मेन मकसद ये होना चाहिए कि स्टूडेंट को रियलाइज़ करा सकें कि वॉट दे वॉन्ट टू बिकम इन लाइफ. तो ये थोड़ा सा आई थिंक इज़ मिसिंग राइट नाउ. इस पर अगर कुछ हम कर सकें किसी तरीके से, ऑब्वियसली चेंज धीरे धीरे आ रहा है, बिकॉज टिल नाउ वी वर स्ट्रगलिंग. अभी
पॉवर्टी इतनी थी इंडिया में, बट नाउ वी आर अ डेवलपिंग नेशन और हम लोग बहुत अच्छी स्पीड से डेवलप कर रहे हैं. तो एक सर्वाइवल वाली जो चीज़ थी उससे ऊपर अब हम उठने लगे हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में आने लगी हैं और आने वाले टाइम पे बेटर होंगी. बट एक कॉन्वर्जेशन की ज़रूरत है लोगों में कि इस बारे में एटलीस्ट बात होए. व्हाट डू यू से? राइट, सो आई थिंक विक्रम टच्ड ऑन अ लॉट ऑफ इश्यूज. आई थिंक यस, ड्रॉपिंग आउट सीम्स लाइक अ revolutionary idea for people. Like it seems like fun, you know, it seems hip for people to drop out. Like to drop out seems like a bold move, you know. Sabke liye sab sochte hain ki yaar Mark Zuckerberg ya Mark Zuckerberg. It is also like we are attracted more towards easy things, hai na. ड्रॉप आउट करना आसान है, तो हमें ऐसा लगता है कि ड्रॉप आउट कर लेते हैं, सक्सेसफुल तो लोग हो जाते हैं ड्रॉप आउट करने के बाद भी. तो वी चूज द ईजियर पाथ रादर देन फोकसिंग मोर ऑन डेवलपिंग आर स्किल्स. उन्होंने भी जिन्होंने ड्रॉप आउट किया सक्सेसफुल हुए, तो उन्होंने किसी और चीज़ में मेहनत करी, मे बी नॉट इन द एजुकेशन और नॉट मे बी डायरेक्टली इन टू द स्टडीज़ और द स्कूल करिकुलम, बट किसी और चीज़ में तो मेहनत करी है. सो हम भूल जाते हैं. आई थिंक विक्रम हैज़ अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, positive outlook, like he has a positive outlook, which I kind of appreciate and which I love about it. But I think I'm a little to be honest, I think schools mein abhi jo education system hai, let's say hame photosynthesis Archimedes principle sikhaya jata hai, par practical application ya curiosity, as in ki sky blue kyun hai, right, patton ka color hara kyun hai, why is there a rainbow, right? हमें diffraction ये सारा चीज़ें सिखाया जाता है 10th grade. तो I know कि हाँ ये सारा theoretical है, but at the same time जहाँ मैं disagree कर रहा हूँ, school as a like काम चला हुआ है, और एक तरीके से जब हम school में जाते हैं या college में जाते हैं, हमें ऐसे prepare किया जाता है कि हाँ इसके बाद job करनी है, but without giving us the slightest of clue ki actuality, reality mein job dhoondna ya job milna hota kya hai. Abhi main English honors se jab pass out hua, uske baad mujhe pata laga jab main content writing ki job mein ja raha tha, to wahan search engine optimization ya fir copywriting, ye sare skills jo humne kabhi sune bhi nahi the college ke time, un pe job based hai. तो अगर लेट्स से कॉलेज में हमें कॉपी राइटिंग, SEO ऑप्टिमाइजेशन, इन चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, प्रैक्टिकल जॉब स्किल्स सिखाए जाते हैं, ना कि लेट्स से ड्रामा इन द 19th सेंचुरी, राइट? और बट ऑफ कोर्स आई नो इट हैज़ अ सबकॉन्शियस इफेक्ट, इट हैज़ लाइक नॉलेज बढ़ जाती है उससे, बट वट आई थिंक जो अभी बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है वो है कि प्रैक्टिकल स्किल्स, जैसे अभी मैं बता रहा था कारपेंट्री या फिर वॉल पेंटिंग, जो हमारे वहाँ अभी हमारे वहाँ जो जितना है जो लेबर आते हैं, राइट, जो वॉल पेंट करते हैं, उनको बहुत कम, मतलब एक तरीके से पैसा, और उसको एक तरीके से गंदी जॉब की तरह देखा जाता है वॉल पेंटिंग को, राइट? बट लेट्स से कि स्कूल्स में वॉल पेंटिंग की क्लासेस होती हैं और उसमें टेक्सचर्स सिखाते हैं हमें कि अलग अलग टेक्सचर्स कैसे बनाते हैं. जैसे ही बच्चा 12th के बाद, लेट्स से उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो कॉलेज में जा सके, वो अपना वॉल पेंटिंग से ही खर्चा निकाल सकता है और टेक्सचर्स अप्लाई कर सकता है, लोगों को सिखा सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है. इतने सारे घर हैं यहाँ आसपास, हर घर में 4-5 रूम्स होते हैं, अगर वो एक रूम में भी पेंट कर रहा है 10 घरों में, लेट्स से, या 5 घरों में, उसके पास बहुत पैसा आ सकता है, राइट? सो आई थिंक ये सारा स्किल, जैसे अभी सिर्फ आई थिंक बहुत कम ऐसे स्किल्स हैं, जैसे कंप्यूटर सिखा दें हमें, उसमें माइक्रोसॉफ्ट सिखा दिया, ये सिखा दिया, इसको कैसे क्या करना है, ये थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज जो दे दी, बट आई थिंक फुल थ्रॉटल अगर हम इस चीज़ में हार्ड कोर करके जाएं प्रैक्टिकल स्किल्स में, और थियोरेटिकल स्किल्स ऑफ कोर्स है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमें ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी कि अगर, और इट हैज द टाइम हैज़ कम कि हम एक ये एजुकेशन सिस्टम में एक रेवोल्यूशन आए, जब हम सिर्फ किताबी भाषा नहीं पढ़ रहे और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो रियल लाइफ में जो जॉब्स हैं या उन चीज़ों के बारे में हमें पता लग जाए, लिंक्डइन में कैसे कोल्ड ईमेलिंग कैसी करनी है, इस बारे में लेटर टू म्यूनिसिपैलिटी सिखाते हैं हमें, और वो कभी उसकी आप ही बताओ कितने लोग हैं जो लेटर ऑफ लेटर म्यूनिसिपैलिटी या समाज सुधार करो या ये सारा चीज़,
बहुत कम है, और अगर करते भी हैं तो लेटर कोई पढ़ता नहीं, जस्ट सेइंग लाइक रियलिटी. तो रियलिटी और जो स्कूल्स और कॉलेजेस ख्वाब देखना सिखाते हैं, और जब एक्चुअलिटी हम जब देखते हैं वो काफ़ी दर्दनाक है और बहुत ज़्यादा आई थिंक परेशानी से भरी है कि जॉब मिलना, ऊपर से भारत में इतनी ज़्यादा जनता है, एक जॉब के लिए हज़ारों लोग हैं. 20 घंटे पहले जॉब की एप्लीकेशन आती है, उसके बाद 20 घंटे बाद ख़त्म, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं है, अब ऑलरेडी एप्लीकेंट सेलेक्ट हो गया है. तो ऐसी मारा मारी है. सो आई थिंक ये लाइफ जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जैसे कारपेंट्री, शू मेकिंग, मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स, मैं सोच रहा था मैं शू मेकिंग में भी करूँ, जो बहुत सब इतनी डिज़ाइंस हैं, इतनी सारी चीज़ें. आपकी हैप्पीनेस शुड नॉट रिवॉल्व अराउंड दीज मटीरियलिस्टिक थिंग्स. राइट. टू हैव एन अप्रोच और ऐसा एम्बिशन होना इज गुड, बट अगर आपकी हैप्पीनेस ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही आती है, देन देर विल बी अ टाइम जब वो हैप्पीनेस एंड हो जाएगी. एंड लाइक इफ यू टॉक साइंटिफिकली अबाउट दीज थिंग्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डोपामीन, द हार्मोन डोपामीन. राइट. तो होता क्या है कि डोपामीन इज़ एन एडिक्टिव हार्मोन. तो जितना भी डोपामीन हमारी बॉडी में रिलीज होता है, इट क्रेव्स फॉर मोर डोपामीन द नेक्स्ट टाइम. तो सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट आपको बार बार नहीं मिलता है विद द सेम अमाउंट ऑफ डोपामीन. सो यू विल ऑलवेज वॉन्ट मोर, एंड देन देर इज़ नो एंड टू इट. है ना, वी जस्ट वॉन्ट टू हैव थिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीजें लेने की सोचने लगते हैं हम लोग. Right, I get your point, but at the same time, I think जो happiness का idea है, वो ही distorted है, I think. It's like जो हमने ideal happy एक जो हमारी धारणा है happiness से associated, I think वो है एक घर हो बहुत बड़ा, swimming pool हो उसमें, you know, और एक बहुत सुंदर सी लड़की हो, मेरी girlfriend हो, wife हो, जो भी हो, और मेरे पास एक बहुत अच्छी कार हो, ये हो, वो हो, एक बहुत मटेरियलिस्टिक डिज़ाइन है जो हैप्पीनेस से एसोसिएटेड है. राइट. और उस डिज़ाइन को आई थिंक सब कंपटीशन में रहते हैं. राइट. लेट्स से कि यू आर अर्निंग लेट्स से 50,000, 1 lakh पर मंथ. राइट. अब मेरा जो गोल होगा, लेट्स से हम सेम क्लास में थे, यू नो, हम बचपन से साथ में, ये सब है. और सोसाइटी ट्रीट्स अस, आवर सोसाइटी वांट्स अस टू ओवरकम वन अनदर in terms of material, right? So it establishes a competition. So I think in that pursuit of happiness, we kind of forget what we actually wanted ever. And I think society plays a major role, like people who are around us, ki what are expectations, hamari expectations kya hai, ye sara cheez. You touched upon dopamine. So I was watching this thing, to usme kya hai ki the hypothalamus gland, like if you want to be healthy, the most advanced form of pharmacy that exists in this world is in your brain, that is the hypothalamus. So hypothalamus secretes chemicals. It can heal your body when your body wants to be bold and brave. Let's say when you are bahut ganda fever ho raha hai, 105 104 chale gaye, right, and your body, you feel like you're dying, right, your body kicks in a chemical जो उस बॉडी पार्ट में या उस वायरस को मारने चले जाता है जो तुम्हारी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है. यू टॉकिंग अबाउट एड्रेनालिन? नहीं नहीं नहीं, नॉट एड्रेनालिन. हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है, इट हैज़ केमिकल्स, तो वो सिक्रीट करता है जहाँ बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उसकी हील करने की. सो दैट इज़ द एडवांस फार्मेसी वी हैव. तो और जो बाहर के जो केमिकल्स हैं, दैट हैज़ अ साइड इफेक्ट टू योर बॉडी. फार्मेसी इन द यूनिवर्स इज़ इन योर ब्रेन. It's called the hypothalamus, and it produces chemicals on demand, consistent with the way you think, feel, and perceive. So if you feel brave, you'll produce a chemical called interleukin-2, which is the most efficient chemical for fighting cancer worldwide. In fact, I checked today, a course of artificial interleukin-2 can cost between $6,000 to $8,000 per course. Your body produces it in the right quantities to go to the right place at the right time. When you feel calm, you produce your own Valium. You don't need Valium from a drug manufacturing company, which has side effects. When you're happy, you produce endorphins and enkephalins. The bottom line here is your body has the ability to heal itself, provided you are thinking the right way. Thinking the wrong way just produces the alternative result. Always focus on the positive. Be brave. Be happy. Be healthy. So let's say ki agar mujhe apni sugar control karni hai, right?
तो मैं क्या करता हूँ, मैं खाता हूँ बहुत सारा मीठा ये सब चीज़ें, और फिर मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, राइट, उससे स्टेबल हो जाती है, एंड देन आई गो अगेन बैक, क्योंकि मुझे हैबिट है, राइट, बहुत मीठा खाने की, ये करने की, तो आई टेक ये इंसुलिन के इंजेक्शन्स। बट लेट्स से एक दिन मार्केट में इंसुलिन के इंजेक्शन्स मिलना बंद हो गए, इंसुलिन मिलना बंद हो गया, आई एम गोना डाई, राइट, क्योंकि मेरी नीड जो थी मीठा खाने की वो तो बंद नहीं हो रही है, और आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस इंसुलिन थिंग, राइट, बट लेट्स से इफ़ यू कंट्रोल योर ईटिंग हैबिट्स, इफ़ यू कंट्रोल नॉट टू ईट यू नो ये जो स्वीट या जो भी मैन्युफैक्चर्ड होता है आर्टिफिशियल, या सो ये सारा चीज़ें, लेट्स से इफ आई कंट्रोल इट, आई डोंट नीड इंसुलिन, मुझे कोई इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, आई कैन हैव अ हेल्दी लाइफ, हैविंग डायबिटीज, हैविंग शुगर, मैं अपना लाइफ एज अ लीड कर सकता हूँ एज अ हेल्दी पर्सन, सो आई वोंट बी इन डिपेंडेंस विद यू नो ऑल दीज केमिकल्स, फार्मेसी, जो भी बाहर फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो इट्स लाइक अ रनिंग बिजनेस, सो होता क्या है, कोका कोला है, आई टेक द कोका कोला, मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट, मैं कोका कोला पीता हूँ, सोडा मेरी बॉडी में जाता है, आई हैव गैस, नाउ गैस होता है, आई गो टू द ये केमिस्ट के पास, केमिस्ट मुझे इनो देता है, इनो देता है, मैं ठीक हो जाता हूँ, आई टेक अनदर कोका कोला, मैं कोका कोला पीता हूँ, द साइकिल रिपीट्स एंड रिपीट्स एंड रिपीट्स, बॉडी डिटोरियोरेट्स, और होता है कि एंड रिजल्ट, वी आर कॉट इन दिस वेब, वी कॉट इन दिस लूप, वी कॉट इन दिस साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी, राइट, तो ये जो एक तरीके से इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व द सिस्टम जैसे काम कर रहा है, ये जितना अगर क्रिमिनल्स नहीं होते तो हमारे पास लॉयर्स और पुलिस वाले नहीं होते कभी भी, राइट, सो दीज थिंग्स आर मेड लाइक इंटरकनेक्टेड, अगर लेट्स से इफ़ वी डोंट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर हमारे पास वॉर्स नहीं होंगे, सो गन मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, न्यूक्लियर पावर, ये जितना न्यूक्लियर, ये जो एक्सप्लोसिव एटॉमिक बॉम्ब, ये जितने भी बन रहे हैं, नोबडी वुड मेक देम अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, हमें बॉर्डर पे सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि पता है कोई मारने ही नहीं आने वाला है, सो ये जितने लोग हैं अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जो पुलिस वाले हैं, लॉ वाले हैं, क्योंकि कोई क्राइम ही नहीं हो रहा है, राइट, सेम थिंग अप्लाइज विद फार्मेसी, दवाइयाँ ही नहीं बनेंगी अगर तुम बीमारी ना पड़ोगे, राइट, कल ही इसके बारे में रिसर्च करा था, सो डॉक्टर्स ने, ही इज़ कॉल्ड द आइस मैन, आई थिंक ही इज़ कॉल्ड द आइस मैन, तो उसको डॉक्टर्स ने बता दिया था व्हेन ही वाज अराउंड 70-60 जो भी था, कि ही हैज कैंसर, और उसके पास कुछ दिन बचे हैं या महीने बचे हैं या साल बचा है, व्हाट ही डिड वाज, वो क्योंकि बहुत ठंडे टेम्परेचर में रहता था, तो ही स्टार्टेड टेकिंग आइस बाथ, राइट, वो 84-86 साल जिया, और तब से एक तरीके से एक ओकल्ट एक तरीके से वो बन गया था, कि सब लोग आइस बाथ लेने लग गए थे, क्योंकि एक लॉन्जेविटी बढ़ गई थी लाइफ की, सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़, You can control your body. You can control the working of the mind, right? Agar happy emotions, agar happy dopamine, ye serotonin secrete ho raha hai. On a balanced, on a, matlab agar the working of the mind is well and good, toh I think it has a effect in the body, and you won't be as dependent as you are today. Sabki belly obesity. I think ek abhi survey aaya tha, usme bataya tha ki 40% of Americans would be obese, or 70%, I don't know, by the year 2030. Yeah.